तुम्हीं पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? अपने पंखों को खोल ए जवान, शिव उड़ान करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, अकाउंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बार फिर से एक बेहतरीन टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और कुछ जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफिसर्स क्लब। बिकॉज आप हम लोग मोर देन 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे, है ना, और वन बाय वन करके देखते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम किल किए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर वन की ओर। क्वेश्चन नंबर वन है कि मैक्सिमम लीव इन कैचमेंट ड्यूरिंग द सर्विस इज 60 डेज। मतलब लीव इन कैचमेंट जो है पूरे होल सर्विस के दौरान हम लोग 60 डेज ले सकते हैं। EOL स्टैंड फॉर इंजन ऑन लोड। रेल यूनिवर्सिटी इज प्रपोज्ड एट बड़ोदरा, यानी रेल यूनिवर्सिटी बड़ोदरा में प्रपोज किया गया। कॉफमो स्टैंड फॉर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, कॉफमो। NTX आर स्टैंड फॉर न्यूट्रल ट्रेन एग्जामिनर, ओके। एंड नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट रेल ऑटो हब, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्स, प्रपोज्ड एट चेन्नई, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर इज इंडियन रेलवे इज 182। मो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो जनरल एग्जाम में भी पूछ चुका है क्वेश्चन कि रेलवे को जो सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर है वो कितना है, तो 188182। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं कि ICD स्टैंड फॉर इनलैंड कंटेनर डिपो। एंड GASB 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 स्टैंड फॉर, इसको ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए GASB बोल सकते हैं या याद रख सकते हैं, गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एडवाइजरी बोर्ड, यानी गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एडवाइजरी बोर्ड। जीका स्टैंड फॉर जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेटिंग एजेंसी। एंड नेक्स्ट, बक्स प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर इन डिवीजन इज सीनियर डीएन, यानी डिवीजन लेवल पर सीनियर डीएन जो होते हैं बक्स प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट IRS ऑफिसर सीटी वेणुगोपाल इज द फर्स्ट IRS ऑफिसर, ओके। नेक्स्ट, मैक्सिमम पे एज रिकमेंडेड बाय द 7th पे कमीशन इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट इज 2,50,000, यानी 7th पे कमीशन के अनुसार मैक्सिमम जो पे रिकमेंड किया गया वो 2,50,000 रुपये किया गया। नेक्स्ट है PLR स्टैंड फॉर प्राइम लेंडिंग रेट, PLR स्टैंड फॉर प्राइम लेंडिंग रेट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कि फ्यूल बिल एलोन अकाउंट 20% अप्रॉक्स ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ इंडियन रेलवेज। डियर फ्रेंड्स, मीनिंग ये हुआ कि इंडियन रेलवेज में जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है उसको 25% अप्रोक्स अकेले फ्यूल बिल में, मतलब कि एक्सपेंडिचर किया जाता है, एक्सपेंस किया जाता है। आप सोच लीजिए कि फ्यूल बिल में कितना पैसा खर्च होता है, यानी इंडियन रेलवे में जितना एक्सपेंस होता है उसका 20% फ्यूल में सिर्फ पैसा जाता है, ओके। नेक्स्ट है VGF स्टैंड फॉर वायबिलिटी गैप फंड, VGF वायबिलिटी गैप फंड। मिनिमम पे एज रिकमेंडेड बाय द 7th पे कमीशन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट इज 18,000, यानी 7th पे के अनुसार मैक्सिमम जो होगा वो 2,50,000 एंड मिनिमम जो है वो 18,000 है। चेयरमैन ऑफ 7th पे कमीशन इज, 7th पे कमीशन के चेयरमैन कौन है, AK माथुर, यानी अशोक कुमार माथुर, आप लोग भी जानते होंगे, ओके। नेक्स्ट, द फिटमेंट फैक्टर एग्रीड बाय गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 7th पे कमीशन इज 2.57, यानी 7th पे कमीशन का जो फिटमेंट फैक्टर जो गवर्नमेंट के द्वारा जो अप्रूव्ड किया गया वो है 2.57, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलवेज पूछता है कि ए स्टेशन बैलेंस शीट इज अ ब्लैंक्स ऑफ ए स्टेशन मास्टर, यानी स्टेशन बैलेंस शीट जो होता है ना वो स्टेशन मास्टर का पर्सनल अकाउंट्स होता है, स्टेशन बैलेंस शीट।
एनेक्स 21 फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, ये अपेंडिक्स 28 2021 में भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो जी डब्ल्यू ई बाई ग्रॉस अर्निंग इंटू 100, वेयर जी डब्ल्यू ई ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस बाई ग्रॉस अर्निंग इंटू 100, यही ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, यानी ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंस बाय ग्रॉस अर्निंग इनटू 100। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहला जो रेल मिनिस्टर हुए वो कौन हुए, तो वो उसका राइट आंसर है जॉन मथाई। एंड क्वेश्चन नंबर 23, डेमो स्टैंड फॉर डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द रेलवे एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर ऑफ 1989, यानी 1989 में रेलवे एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया, यानी केम इनटू फोर्स मीन्स इम्प्लीमेंट हो गया, लागू हो गया 1989 में। नेक्स्ट है IRITM इज लोकेटेड एट लखनऊ, यानी डियर फ्रेंड्स IRITM कहाँ है, लखनऊ में, जो कि जिसका कि फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इज अलाउड अप टू 40%, यानी पेंशन का जो कम्यूटेशन है वो कहाँ तक अलाउ है, वो अप टू 40% तक कम्यूटेट किया जा सकता है पेंशन को। एंड नेक्स्ट है GAAR, GAR स्टैंड फॉर जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल्स। क्वेश्चन नंबर 28, RDSO इज हेडेड बाई डायरेक्टर जनरल, यानी डियर फ्रेंड्स RDSO के जो हेड होते हैं वो डायरेक्टर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 29, VPN स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, हमारे जो ऑफिस में आप सुनते होंगे कि VPN मेरा अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, तो व्हाट इज VPN, तो एक्चुअली में VPN स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 30, द गवर्नमेंट अकाउंट्स ऑफ इंडियन रेलवेज आर नोन एज फाइनेंस अकाउंट, यानी जो गवर्नमेंट अकाउंट्स है ऑफ इंडियन रेलवेज का वो किस रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है फाइनेंस अकाउंट के रूप में जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 31 की तरफ, IRFA स्टैंड फॉर इंडियन रेलवे फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स, IRFA इंडियन रेलवे फाइनेंशियल एडजस्टमेंट। एंड नेक्स्ट GST, ऑल ऑफ यू नो स्टैंड फॉर GST, आप लोग सभी जानते होंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST। एंड नेक्स्ट 33, द कमर्शियल अकाउंट्स ऑफ इंडियन रेलवेज आर नोन एज कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट्स, यानी जो कमर्शियल अकाउंट्स है इंडियन रेलवेज का जो वो किस नाम से जाना जाता है, तो कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट्स। और इसके पहले जो था कि द गवर्नमेंट अकाउंट्स, यहाँ पर है कमर्शियल अकाउंट्स, वहाँ पर है कमर्शियल अकाउंट्स, तो कमर्शियल अकाउंट्स जो होता है इंडियन रेलवेज का वो कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के रूप में जाना जाता है, ओके। नेक्स्ट EMD स्टैंड फॉर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, EMD मैक्सिमम EMD में भी, यानी EMD मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो ₹1 करोड़। एंड परसेंटेज ऑफ EMD ऑफ द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ वर्क अप टू 1 करोड़ में बी 2%। डियर फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, ये भी काफ़ी बार पूछ चुका है कि यदि कोई एस्टिमेट 1 करोड़ का है तो उसमें जो EMD का जो परसेंटेज होगा वो कितना परसेंट होगा, तो 1 करोड़ तक 2% होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, नेम ऑफ द ओनली कोच विच हैज गिवन प्रॉफिट इन इंडियन रेलवेज, तो दैट इज AC 3 टायर, यानी आप लोग भी जानते होंगे, देखते होंगे कि हम लोग ऑलवेज EQ वगैरह करवाते रहते हैं, तो उसमें भी क्या देखते हैं कि ज़्यादातर जो टिकट होता है वो AC 3 टायर का होता है, तो इंडियन रेलवेज में वो कौन सा कोच है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है, तो उसका आंसर है AC 3 टायर, ओके। नेक्स्ट LOA स्टैंड फॉर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, LOA लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, LOA स्टैंड फॉर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन नंबर 39, कॉन्ट्रैक्टर हैज टू डिपॉजिट SD विद इन 14 डेज ऑफ इशू ऑफ LOA, यानी कॉन्ट्रैक्टर जो होता है कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो उसमें जो SD डिपॉजिट करने का जो टाइम होता है, SD यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो वो LOA इशू हो जाने के बाद
मतलब उसके एलओए यानी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, मान लीजिए कि इशू हो गया, तो उसके इशू होने के 14 दिनों के अंदर कॉन्ट्रैक्टर को एसडी डिपॉजिट करना रहता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सब बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आप कह सकते हैं ये सब क्रीम क्वेश्चन, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको घंटों का टाइम बचाया जा रहा है, बस आप वीडियो को 1 से 2 बार देखते रहिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कि सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी एसडी इन स्टोर्स कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपेंडेड अप टू द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ₹1,00,000, यानी कह रहा है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है यानी एसडी, वो स्टोर कॉन्ट्रैक्ट में मैक्सिमम उसको कितने लाख रुपए तक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का बढ़ाया जा सकता है, यानी एग्जेम्प्ट अप टू द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट का कितना वैल्यू तक, यानी मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख रुपया का, तो उसका कितना, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के कितना तक एसडी को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, तो वह है ₹1,00,000 तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द फाइनल ऑडिट अथॉरिटी इन इंडिया। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है कि हु इज़ द फाइनल ऑडिट अथॉरिटी इन इंडिया, तो कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कैग के रूप में भी जाना जाता है। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के भी दृष्टि से और ऑफिशियल लाइफ के भी दृष्टि से, कि ट्रैफिक चेक शीट जो होता है तो उसको कितने पीरियड तक उसको प्रिजर्व रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, तो वो है 2 ईयर्स तक हम लोग ट्रैफिक चेक को प्रिजर्व कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है पे बिल, पे बिल को कितने पीरियड तक प्रिजर्व कर सकते हैं, तो 10 ईयर्स। एंड नेक्स्ट वन इज मंथली अकाउंट करेंट, मंथली अकाउंट करेंट नाम सभी लोग सुने होंगे, यानी मंथली अकाउंट करेंट को प्रिजर्व करने का पीरियड जो है वो है 3 ईयर्स। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, कि अंडर कंट्रोल ऑफ विच अथॉरिटी आईटी सेंटर और EDPM एंड स्टैटिकल ब्रांच वर्क, यानी डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है कि किसके अथॉरिटी के अंडर में, यानी उस जो आईटी सेंटर होते हैं यानी EDPM और स्टैटिकल जो ब्रांच होता है वो काम करता है, तो दैट इज राइट आंसर इज प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर यानी PFA। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर, एंड क्वेश्चन नंबर 44 इज कि RTC स्टैंड फॉर रेल ट्रेवल कूपन्स। ओके रेल ट्रेवल कूपन्स RTC, एंड लास्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, दैट इज रेलवेज गेट द लार्जेस्ट अर्निंग फ्रॉम द गुड्स ट्रैफिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी रेलवे का जो सबसे ज़्यादा, जो सबसे लार्जेस्ट जो अर्निंग होती है वो किस ट्रैफिक से होती है, तो वो गुड्स ट्रैफिक से होती है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट बी के अंतर्गत आता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आज का 45 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ, आप लोग को होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। डियर फ्रेंड्स, यदि रियली में आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हम इनकरेज हो सके और मोटिवेट भी हो सके। डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू।